हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको कुर्ती के चाक का एक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये चुर कुर्ती तैयार कर ली है और अब इसकी फ़िटिंग डालना है तो इसके लिए ये हिप लाइन का जो निशान है उससे दो इंच ऊपर मैंने एक निशान लगाया है और उस ऊपर वाले निशान तक ही हमें कुर्ती की फ़िटिंग डालना है तो जो कुर्ती का साइज़ है उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिए हैं इस पर और ये जो इसके हिप लाइन से दो इंच ऊपर मैंने निशान डाला है वहाँ से डेढ़ इंच के फासले से हम एक सीधी लाइन यहाँ खींच ली है और अब ये कुर्ती पे मैंने साइड से दोनों साइड की फ़िटिंग लगा दी है कुर्ती पर तो जो हिप लाइन का निशान था उससे दो इंच ऊपर तक ही मैंने फ़िटिंग डाली है क्योंकि हम चाक पे डोरी लूप और डोरी वाला डिज़ाइन डालेंगे तो उसके लिए हमें थोड़े से चाक ऊपर तक खुले हुए चाहिए आप इस दो इंच की जगह चार इंच भी खोल ज़्यादा खोल सकते हैं चाक को हिप लाइन से चार इंच ऊपर तक खोल सकते हैं मैंने सिर्फ दो इंच ही बढ़ाया है चाक का साइज़ अब यहाँ पे जहाँ पे चाक मैंने बंद किए हैं ऊपर की फिटिंग जहाँ आके बंद हुई है वहाँ से डेढ़ इंच के मार्जिन से मैंने ये लाइन खींची है कुर्ती के सीधे साइड पर और चाक के दोनों तरफ दोनों हिस्सों पे आगे वाले और पीछे वाले दोनों हिस्सों पे मैंने ये लाइन खींच ली है और इस लाइन का मार्जिन डेढ़ इंच के किनारे से अब इस लाइन के ऊपर हम जहाँ हमारा चाक की हिप लाइन की फिटिंग जहाँ लगी है वहाँ से लेके कर चार इंच पे एक निशान लगा दिया है और फिर इसी लाइन पर इस पट्टी के लूप तैयार करके लगाएंगे तो ये पट्टी सवा इंच चौड़ी सीधी पट्टी है इसको इस तरह से हम पहले दोनों किनारे अंदर फोल्ड करेंगे और फिर इनको डबल फोल्ड करेंगे और फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से ये तैयार कर ली है पट्टी मैंने और फिर इसके दो दो दो, दो इंच के लगभग लूप तैयार कर लेंगे हम तो ये मैंने लूप्स को कट कर लिया है और अब ये जो हमारा चाक वाली साइड है जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली सिलाई आके बंद हुई है वहाँ से हम एक, एक एक इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ चार इंच पर मैंने नीचे निशान लगाया था तो इस तरह से चार निशान लगेंगे एक एक इंच पर और उसके सेम दूसरे साइड वाले हिस्से पे भी इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे इसी तरह से एक एक इंच पर ये निशान बिल्कुल आमने सामने आएंगे और अब इन निशानों पर हम इस तरह से ये जो हमने लूप के लिए पीसेस काटे हैं इनको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इनका ये खिला खुला हुआ हिस्सा हम कुर्ती के चाक के जो किनारे वाला साइड उस तरफ रखेंगे खुला हुआ हिस्सा कुर्ती के साइड हम इसका बंद वाला हिस्सा रखेंगे इस तरह से चारों लूप हम इसी तरह से लगाएंगे बंद वाला साइड कुर्ती के साइड आएगा और खुला हुआ इसके सिरे बाहर किनारी वाले साइड आएंगे और जो हमने लाइन खींच रखी है उसी लाइन पे हम इनको लूप्स को इस तरह से लगाएंगे थोड़ा सा हिस्सा इनका लाइन के इस तरफ लेंगे और इस तरह से यहाँ चार लूप मैंने लगा दिए हैं और ये चाक के दूसरे वाले हिस्से पर भी हम इसी तरह से चार लूप लगा देंगे तो ये मैंने दोनों तरफ़ देखिए आप दोनों तरफ मैंने चार चार लूप लगा दिए हैं और इसी तरह से कुर्ती के दूसरे साइड भी हम इसी तरह करेंगे तो अभी मैं आपको एक साइड करके दिखा रही हूँ अब ये चाक हम इस तरह से ये कुर्ती के सीधे साइड हम इस तरह से पलटेंगे एक पेड़ का मार्जिन हम फोल्ड करेंगे और फिर उसको दोबारा फोल्ड करेंगे आधा इंच का मार्जिन और इस तरह से हम इसको चाक को इस तरह से तैयार करेंगे तो ये कुर्ती का सीधा साइड है और इसी तरफ हमने चाक को ऊपर फोल्ड किया है और इस तरह से जहाँ पे हमने लूप लगाए थे जिस सिलाई पे उसी सिलाई के ऊपर हम इसको सिलते हुए लाएंगे और जस्ट ऊपर जहाँ हमारा चाक खुल रहा है जहाँ तक यानी कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई जहाँ तक आके ख़त्म हुई है वहाँ तक हम लाएंगे ये बिल्कुल इसके साथ मिलाकर हम यहाँ पर इसकी सिलाई को यहाँ लाकर ख़त्म करेंगे इस तरह से तो ये चाक का एक हिस्सा पूरा हुआ कर लिया है हमने फ़ोल्ड और अब इसको पलटा कि ये दूसरे साइड वाला यानी कुर्ती का पीछे वाले हिस्से का चाक भी हम इसी तरह से बनाएंगे अब ये वाला चाक हम यहाँ ऊपर से बनाना शुरू कर देंगे इसको इस तरह से एक पेड़ का मार्जिन इसका भी फ़ोल्ड करेंगे और फिर आधा इंच का मार्जिन और लेके इसको पलटा लेंगे और ये बिल्कुल सिलाई जहाँ ख़त्म हुई है बिल्कुल इसी जगह से हम इसको लगा के सिलाई इस पर इसको मोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से जिस सिलाई के साथ हमने लूप अटैच किए थे उसी सिलाई के ऊपर जस्ट हम ये सिलाई लगाते जाएंगे और नीचे तक उसी सिलाई के लिए जो हमने लाइन खींची थी उसी लाइन के निशान पर हम इसको सिलाई करके पूरा चाक तैयार कर देंगे तो ये ध्यान रहे ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं ऊपर ये कुर्ती के साइड सीधे वाले साइड पे आया है अब चाक को हमने जितना फ़ोल्ड किया था उसको अब हम वापस उल, उसके ऑपोजिट साइड पर एक फ़ोल्ड करेंगे तो ये फ़ोल्ड अब कुर्ती के उल्टे साइड चला जाएगा और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे और फिर ये चाक कंप्लीट तैयार हो जाएंगे तो ये अब हमने इसको फिर से जितना फोल्ड किया था उतना ही फ़ोल्ड हमने दोबारा किया है और अब ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है और ये अब कुर्ती के रॉन्ग साइड पे चाक पलट के तैयार हो जाएंगे तो इस तरीके से जो हमने लूप्स लगाए थे वो इस सिलाई के अंदर गुम हो गए हैं इस तरह से अदरवाइज़ हम वैसे सिंपल तरीके से चाक मोड़ते चाक फोल्ड करते और उसके पीछे हम ये लूप लगाते हैं तो वो पीछे की साइड वो खुले हुए दिखते उनमें से धागे वगैरह निकलते रहते और फिनिशिंग नहीं दिखती सिलाई में तो ये हमने गुम सिलाई से ये लूप इसमें अटैच किए हैं और अब यहाँ पर चाक जिस जगह पे हमारी कुर्ती की फ़िटिंग वाली सिलाई ख़त्म हुई है उस जगह हम यहाँ एक कपड़े की पट्टी को दो फोल्ड करके इस तरह से चाक की फोल्डिंग फ़ोल्ड वाले हिस्से के साथ इसको इस तरह मोड़ेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे इस तरह से लगाने से कुर्ती फटती नहीं है वरना इस जगह से नॉर्मली क्या होता है कि कुछ दिन पहनने के बाद ये यह कुर्ती यहाँ से फट जाती है तो ये पट्टी को इस तरह हम लगा देते हैं ये देखिए चाक का फोल्ड आ रहा है उस फोल्ड के साथ ही इस पट्टी को भी हम एक पेड़ का मार्जिन इसके साथ ही अंदर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो ये पूरे अटैच हो जाएगी यहाँ पर तो जब नॉर्मल चाक आप बनाया करें कुर्ती तैयार करा किया करें तो उसमें भी आप इस तरह से छोटी सी पट्टी जहाँ कुर्ती के हमारी फिटिंग वाली सिलाई आ ख़त्म हुई है वहाँ पर हम चाक के साथ इस छोटी सी पट्टी को अटैच कर लिया करिए तो उससे कुर्ती में मजबूती आ जाती है और कुर्ती या इस जगह से फटती नहीं है तो अब ये सामने वाले हिस्से का चाक भी उल्टी साइड पे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे इस तरह से चाक बहुत फिनिशिंग से तैयार होते हैं और लूप भी हमारे अंडरग्राउंड स्टिचिंग के साथ तैयार हो गए हैं उसमें लग लग गए हैं और ये हमने जो पट्टी लगाई ये भी बहुत फिनिशिंग से लगी है अंदर अब इसके किनारी वाले हिस्से पे भी हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे जैसे कि नॉर्मल हम चाक बनाते टाइम लगाते हैं और ये टॉप स्टिच लगा के जब हम यहाँ लाएंगे तो इस जगह भी जो हमने पट्टी लगाई थी वो भी इस सिलाई में एक बार फिर से सिल जाएगी और यहाँ बिल्कुल मजबूती आ जाएगी इस जगह पर इस तरह से हमारे चाक पूरे कम्प्लीट हो गए हैं ये देखिए हमारे चाक कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं और ये हमारे डोरी डालने वाले लूप्स भी लग गए हैं बहुत अच्छे से और ये पीछे जो हमने पट्टी लगाई थी देखिए ये पट्टी इस तरह से है यहाँ से चाक कभी भी फटेगा नहीं इस पट्टी की वजह से वो बहुत मजबूती के साथ ये अटैच हुए यहाँ पर अब ये हमने डोरी बनाई है इस डोरी को हम नीचे से लेंगे और एक एक लूप में अल्टर अल्टरनेट डालेंगे इस लूप में डालेंगे फिर इसके सामने वाला लूप को छोड़ेंगे और उससे ऊपर के लूप में डाल देंगे तो ये इस, इस लूप को छोड़ के इसके ऊपर वाले लूप में डालेंगे हम इस तरीके से अब फिर इसके जस्ट सामने वाले लूप को हम छोड़ देंगे और उससे ऊपर वाले लूप में डालेंगे इस तरह से इस लूप में डालेंगे और अब इसके बाद हम इसके सामने का छोड़ेंगे और उसके ऊपर वाले में डालेंगे इस तरह से डाल के अब हम ऊपर इसके सामने वाले लूप में डालेंगे और फिर वही दोहराएंगे हम कि उसके सामने वाला लूप को छोड़ के ऊपर वाले उसके बाद वाले में डालेंगे इस तरह से अल्टरनेट अब जो लूप खाली बचे हैं बस उन्हीं में डालना है आमने सामने डालते जाएंगे तो ये क्रॉस वाला डिज़ाइन तैयार हो जाएगा इसमें डोरी का इस तरह से और नीचे लाकर आखिरी आखिरी रूप में डालने के बाद फिर इसमें एक नोट लगा के और स्टोरी को बांध देंगे यहाँ पर तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग